सो हेयर एजेंट्स वेलकम बैक बाकी मैं आज आप लोगों को लेकर आ चुका हूँ एक और पीवीपी क्लाइंट जिसके बाद दिखा हुआ है कि वो क्लाइंट नहीं है। हाँ, थोड़ी सी अजीब चीज़ें हो चुकी है इस वीडियो के अंदर, बाकी अपन लोग वीडियो को डायरेक्टली स्टार्ट कर देंगे क्योंकि अपन ज़्यादा टाइम पास नहीं करने वाले हैं आज। तो सबसे अपन लोग देख लेते हैं कि अपन को इस पैक को इम्पोर्ट कैसे करना अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के अंदर। तो अपन को सबसे पहले आ जाना है अपने गाइस जेड अचीवर के अंदर, या फिर आप लोग आ सकते हो फाइल मैनेजर के अंदर भी, एंड यहाँ पर अपने माउस को कनेक्ट कर लिया ताकि आप लोग ढंग से देख पाओ। बाकी ऐसा भी आपको नीचे आ जाना है जहाँ पर आपको होगा डाउनलोड का फोल्डर, यहाँ पर देख सकते हो मैं डाउनलोड का फोल्डर ये रहा। अपन को सिंपली से इसके अंदर चले जाना है, एंड इसके अंदर आने के बाद गाइस आपको यहाँ पर एक आइकन दिख रहा होगा, इसको अपन को क्लिक कर देना है, डेट एंड डिसेंडिंग वाले बदलना है जिससे अपनी नई फाइल सबसे टॉप पर आ जाएगी। थोड़ा सा अपने को स्क्रॉल करना पड़ेगा, एंड यहाँ पर गाइस देख सकते हो तो इसका नाम है इवोकर यूआई पैक। एंड हाँ, इसके बाद अपन को रीनेम करना पड़ेगा, यहाँ पर रीनेम करते आपको सिंपली से डॉट शिप को रिमूव कर देना है, एंड इतना ही नहीं करना है अपन को, इसको और पीछे से भी रिमूव करना पड़ेगा पूरा। एंड यहाँ पर अपन को गाइस लिखना पड़ेगा .mc pack गाइस आपको यहाँ पर लिखना एकदम पैक के पास से, मतलब स्पेस मत छोड़ना बिल्कुल भी, .mc pack बिल्कुल ऐसे लिख देना आप लोग, ओके के ऊपर क्लिक कर देना। एंड देन गाइस यहाँ पर आकर आपको ओपन के पास वाले एरो के ऊपर लिखना है, और एरो के ऊपर गाइस आप लोग जैसे करोगे आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर माइनक्राफ्ट, अगर नहीं दिख रहा तो आप लोग स्क्रॉल करके ढूंढ लेना, बाकी अपना माइनक्राफ्ट यहाँ पर डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, मतलब बिना आपकी परमिशन के ही ओपन हो जाएगा ये। एंड यहाँ पर अपना गाइस इंपोर्ट स्टार्टेड भी अपने देखने को मिल जाएगा जब अपना माइनक्राफ्ट लोड हो जाएगा पूरा, तो अपन अभी इसको लोड होने देते हैं। तो अपना माइनक्राफ्ट लोड हो चुका है, एंड इंपोर्ट स्ट्रैटेजी का पॉपअप आप लोग यहाँ पर ऊपर ही देख ही सकते हो, एंड बस ये सक्सेसफुल भी हो जाएगा, आप देख सकते हो सक्सेसफुली इंपोर्टेड यहाँ पर हो चुका है। एंड अभी अपन आ जाए अपने सेटिंग्स के अंदर, फिर अपन चले अपने ग्लोबल रिसोर्सेज के अंदर ये अपना, एंड यहाँ पर गए अपने चले जाना है माय पैक्स के अंदर। एंड यहाँ पर देख सकते हो दिस इज नॉट अ क्लाइंट, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए एक जोक किया गया है, तो हाँ इसे सीरियसली मत लेना, ये एक क्लाइंट ही है, मतलब थोड़ा बहुत तो जो भी हो इसे तो मतलब क्लाइंट ही मानेंगे। बाकी हमारे अपन को देखने को दो चीज़ें देखने को मिल सकती है, फोर स्कॉर्ड्स एंड जो नीचे है उस चीज़ को, मतलब ये डिफॉल्ट है ये, एंड ये चीज़ें तो अपन इस चीज़ को ऑन करके देख लेते हैं, पता नहीं क्या होगा इससे। बाकी इसकी यूआई लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा ओपी, अभी आप लोग बस देखते रह जाओगे। तो यहाँ पर गाइस अभी बस अपनी यूआई लोड होने वाली है, एंड अपन वेट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अपन को एकदम माइनक्राफ्ट लॉन्चर जो होता है पीसी के अंदर, उसकी जैसे अपन को यूआई देखने को मिल चुकी है, यहाँ पर अपने वर्जन सेटिंग सब कुछ लिखा हुआ है। मुझे तो लिटरली वाली यूआई बहुत ज़्यादा पसंद आई, एंड यहाँ पर गाइस देख सकते हो यहाँ पर अंदर अपना सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा जो ग्रीन कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क कर दिया है अपने वर्ल्ड्स के अंदर, ऐसा नॉर्मली नहीं होता है, बस इतना सा चेंज है यहाँ पे। एंड अभी हम लोग वर्ल्ड के अंदर गाइस काफ़ी लोग करेंगे, बस ऐसे वर्ल्ड के अंदर क्लिक कर देंगे, एंड वो लोग जब वर्ल्ड के अंदर जाएंगे तो उनको पता पड़ेगा कि वो जो है पैक एक्टिवेट ही नहीं हुआ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको सही तरीके से एक्टिवेट कैसे करना है। तो मैं यहाँ से 7 क्विट कर देता हूँ, एंड आ जाता हूँ अपने मतलब मेन स्क्रीन पे जहाँ पे अपने सब कुछ होता है। तो मैंने कुछ भी नहीं करना, बस अपने को वर्ल्ड की सेटिंग्स के अंदर आना है, रिसोर्स पैक्स में जाकर के इससे एक्टिवेट कर देना है, एंड इसे आप लोग टॉप पर देखना चाहो तो आप लोग इन सारे पैक्स को डिसेबल भी कर सकते हो, वैसे ही तो मैंने इनेबल कर रखे हैं, एंड यहाँ पर भी आप लोग सेटिंग को चेंज कर सकते हो। बाकी अभी हम प्ले कर देंगे, एंड अपन को देखने को मिल जाएगा अपना क्लाइंट, और यहाँ पर हम लोग आ चुके अपने वर्ल्ड के अंदर। एंड गाइस आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखने को मिल जाएगी, जैसे यहाँ पर अपना इनपुट लिखा हुआ है कीबोर्ड एंड माउस, क्योंकि मैं अभी एक कीबोर्ड एंड माउस यूज़ कर रहा था, एंड अभी जैसे मैंने टच करा अपने फ़ोन को तो यहाँ पर टच हो चुका है, तो मैं कुछ ऐसे ही करता हूँ। एंड बाकी यहाँ पर हमको सेटिंग्स का मेन्यू देखने को मिल जाता है, बाकी ये देख सकते हो कोऑर्डिनेट्स एंड आर्मर के जो अपने SUD थी, एंड यहाँ पर है ये M का बटन, इस समय अपन को काफ़ी सारी चीज़ देखने को मिल रही है। यूटिलिटीज़ यहाँ पर देख सकते हो साइड में, आर्मर SUD कंपास एंड क्लॉक, ड्यूरेबिलिटी परसेंट आइटम, रिकवरी कंपास, इन सब को एक बार मैं ऑन कर देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया चीज़ें यहाँ पर अपने को देखने को मिल जाती है। एंड ये एक ही नहीं है, यहाँ पर अपन को नीचे डिस्प्ले, क्रॉस हेयर, म्यूजिक सबको देखने को मिलता है, अपन देख लेते हैं डिस्प्ले के अंदर क्या क्या है। तो अपन इन सबको भी गाइस आप लोग सेट कर सकते हो, क्रॉस हेयर के अंदर आप लोग सेट कर सकते हो क्रॉस हेयर के, अच्छा ओके अपन यहाँ पर कलर्स देखने को मिलते हैं क्रॉस हेयर के। एंड बाकी यहाँ पर म्यूजिक है, 3-4 म्यूजिक आपको देखने को मिल जाते हैं, एंड मैं अभी किसी को प्ले नहीं करने वाला। बाकी गाइस यहाँ पर आपको काफ़ी सारा बढ़िया यूआई देखने को मिल जाती है, एंड इन्वेंटरी के अंदर भी अपन को काफ़ी सारा यूनिक चीज़ देखने को मिल जाती है। यहाँ पर लोग देख सकते हो ड्रॉप 1 है इसका नाम, ड्रॉप 1 अपन करेंगे तो एक आइटम ड्रॉप कर देगा ऑटो प्लेस, मतलब ऑटोमेटिकली प्लेस कर देगा, क्विक क्राफ्ट एंड डिफॉल्ट, मतलब काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं यूआई के अंदर, जो कि अपनी है इन्वेंटरी की यूआई। वैसे इन्वेंटरी की यूआई कुछ होती है क्या, बट काफ़ी सारा बढ़िया लगी मेरे को। एंड एक बार आपको गाइस इफेक्ट भी देखने को मिला होगा, जैसे मैं क्लोज कर रहा हूँ तो गाइस अपना प्लेयर जो है 3D ओके नीचे चला जा रहा है अपने इस हॉट बार के अंदर, क्योंकि काफ़ी सारा सही इफेक्ट लगा मेरे को, तो मतलब बस ठीक ठाक है और क्या।
एंड हाँ, आपको अपने गेम की सेटिंग्स के अंदर भी काफ़ी सारा बढ़िया यूआई देखने को मिल जाएगी। पूरे हर जगह की यूआई को चेंज कर दिया गया है एंड आई थिंक इसीलिए उसका नाम भी ये रखा गया है। एंड साथ ही में गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि मतलब क्विक सेटिंग्स है अपन को देखने को मिल जाती है। फर्स्ट, बैक, फ्रंट, यहाँ पे अपन को सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है एंड काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से अपन यहाँ पे सेटिंग्स डिस्प्ले होती है, मतलब जो मतलब नॉर्मल माइनक्राफ्ट है उससे काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से उसको सेट करा गया है पूरा। एंड बाकी ये लैंग्वेज मेरे को आज से कभी दिखा नहीं ऑप्शन, बट यहाँ पे है तो हाँ, वैसे ही इतना ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, एकदम सिंपल सा पैक है ये। एंड FPS के बारे में ज़्यादा तो नहीं कहूँगा मैं, FPS आपको लाइक लिटरली बस 5 या 6 FPS भी देखने को मिलेंगे जो कि लाइक नोटिस भी नहीं होता है। मैं मतलब एक FPS काउंटर को यूज़ करता हूँ जो कि मेरे फ़ोन के अंदर इनबिल्ट आता है एंड उससे मैं सबको टेस्ट करता हूँ। तो हाँ, मैं कोई भी फेक टेस्ट नहीं करता हूँ, एकदम रियल मैं मतलब अपने फ़ोन से चेक करके बताता हूँ। बाकी आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही एंड अभी आपको बता रहा हूँ आपको डाउनलोड कैसे करना है। तो डाउनलोड करने का प्रोसेस एकदम ही सिंपल है, आपको सिंपली से ओपन कर देना है मैं डिस्क्रिप्शन को एंड वहाँ पर आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा जिसके ऊपर लिखा हुआ ट्यूटोरियल वीडियो, आपको उस ट्यूटोरियल वीडियो को देख लेना है एंड वहीं पर आपको मिल जाएगी लिंक। बाकी हाँ, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कुछ और टॉपिक्स, तो आप लोग जरूर से कमेंट कर देना एंड मैं उसके ऊपर भी वीडियोज़ बनाने का ट्राई करता रहूँगा।